आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के जो मेन क्वेश्चन है, जो 6 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो मेन क्वेश्चन आज अपन लेंगे। प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 6 नंबर में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ही आधार बीसी पर, तो बीसी आधार पे दो त्रिभुज बने हुए, एक तो एबीसी बना हुआ, एक एडीसी बना हुआ है। देखो ये दोनों त्रिभुज एक ही तरफ नहीं बने हुए हैं, जैसे बीसी आधार के ऊपर एक त्रिभुज तो एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीबीसी, तो उसने अगर आप एबीसी और डीबीसी ऐसे लेते, उसके बाद उसने कहा कि बीसी और एडी को मिलाने पर वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर इस कंडीशन में एडी को और बीसी को मिलाते तो ओ पर प्रतिच्छेद नहीं करते, तो इसका मतलब दोनों ही त्रिभुज बीसी आधार के विपरीत ओर बने हुए हैं। तो विपरीत ओर भी आपको अगर आप इस तरह से त्रिभुज ले लोगे, ये एबीसी और डीबीसी, तो इस कंडीशन में आपको इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो वो रचना अगर आप एडी को मिलाते हो तो ये वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस कंडीशन में अगर आप लंब खींचोगे तो वो लंब एकदम इस भुजा के पास आएगा, तो इसे थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको त्रिभुज ऐसे बनाने हैं दोनों, जिससे कि आप इन दोनों को मिलाओ और लंब खींचो तो दोनों एक दोनों है दोनों एकदम क्लियर दिखे। तो यहां पर ये दो त्रिभुज दिए गए थे एबीसी और त्रिभुज डीबीसी, ये दोनों त्रिभुज बीसी के विपरीत ओर बने हैं, इसने कहा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है एडी को मिलाने पर, तो एडी और बीसी को मिलाओगे तो वो ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहां पे आपको सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बने हैं एबीसी और डीबीसी, इन दोनों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो ए ओ बटा में डी ओ इनके अनुपात में होगा। तो आप सोचोगे यहाँ क्षेत्रफल आ रहा है तो क्षेत्रफल प्रमेय लगेगी, लेकिन क्षेत्रफल प्रमेय में आगे स्क्वायर होता है भुजाओं का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, आधार गुणा में ऊंचाई वाला। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर वो यूज करते हैं, या आप उससे पहले ये कर सकते हो, ये जो दो त्रिभुज है इन दोनों त्रिभुजों में अपने ए ओ और जो डी ओ का अनुपात है वो इनके जो शीर्ष लंब है उनके अनुपात में ला सकते हो। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्षेत्रफल वाला लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में कौन सा त्रिभुज है डी बी सी का क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो एक बटा दो गुणा में ए बी सी का आधार कौन है बी सी है, तो बी सी गुणा में ऊंचाई कौन सी इसकी जो लंब खिंचा है रचना में एपी, तो ये हो गया ऊंचाई इसकी। दूसरा डीबीसी है तो एक बट्टा दो गुणा आधार कौन सा इसका बीसी, और इसकी ऊंचाई कौन सी है डीक्यू। अब यहां पर बीसी से बीसी कट गया, एक बट्टा दो से एक बट्टा दो कट गया, तो ये आ गया एपी बटा में डीक्यू, ये समीकरण नंबर बन गई एक। आप यहां साइड में ब्रैकेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल या स्टार्टिंग में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हो। तो ये दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनके शीर्ष लंबों के अनुपात में आ गया। अब अगर ये शीर्ष लंबों का अनुपात है वो ए ओ और डी ओ के अनुपात में आ जाए तो इसका रिप्लेसमेंट इससे कर देंगे। इसके अनुपात में लाने के लिए देखो ये जो दोनों भुजाएं हैं ए ओ डी ओ ए पी डी क्यू, ये दोनों ये जो छोटे वाले त्रिभुज बन रहे हैं आमने सामने इनकी भुजाएं हैं, तो ये दोनों जो त्रिभुज है आमने सामने वाले ये समरूप हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एक कोण तो ये 90 डिग्री का पी और क्यू और ये शीर्षाभिमुख कोण है वो बिंदु वाला, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज देखो सबसे पहले ए पी और जो डी क्यू है, तो इसका मतलब सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए पी ओ लिखो चाहे इसको ए ओ पी लिखो, तो त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज देखो ओ बिंदु वाला कोण है वो ओ वाले के बराबर होगा, तो इधर कोण होगा डी ओ क्यू, त्रिभुज डी ओ क्यू में इन दोनों में एक तो कोण P और कोण Q है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ये तो आपने रचना से किया है, ये रचना से हो गया कंस्ट्रक्शन से, और कोण AOP ये जो P और O बिंदु वाले आमने सामने के कोण है, इधर कोण से DOQ ये वर्टिकल अपोजिट है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो दो कोण से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए ओ पी समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ क्यू के, कौन से रूल से हुआ है ए ए सिमिलरिटी रूल से हुआ है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो भाई सी पी अष्टी इनकी जो भुजाएं है वो अनुपात में होगी, तो ए ओ के बटा में कौन आएगा डी ओ बराबर ओ पी के बटा में दूसरा तीसरा ओ क्यू बराबर ए पी के बटा में पहला तीसरा है ये तो डी क्यू। अब यहां पे देखिए अपने को ए पी डी क्यू चाहिए ए ओ डी ओ चाहिए,
इसका मतलब ये कौन सा है, पहला और लास्ट है, तो इसमें से अपन पहला और लास्ट पद ले लेंगे, तो ए ओ बटा में डी ओ का अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, ए पी बटा में डी क्यू के। ये समीकरण नंबर हो गई है दो। अब समीकरण नंबर एक और दो का यूज करते हुए ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में डी बी सी का क्षेत्रफल, ए पी बटा डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ए ओ बटा में डी ओ, तो इक्वेशन हो गया अपना। तो त्रिभुज समीकरण नंबर एक व दो से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण नंबर एक व दो से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा ए पी बटा डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, ए ओ बटा में डी ओ। तो ये आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन छह नंबर में भी पूछ सकता है। अगर इसमें डायग्राम सही तरीके से नहीं बना है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी प्रश्नावली में 10, 11, 12, 13 और 14 के अंदर भी आपको डायग्राम बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी इसके आप पूरे नंबर है वो प्राप्त कर सकते हो।